अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराध की दुनिया में खासा नाम रखने वाले बदन सिंह बद्दो की मेरठ स्थित कोठी पर आज योगी सरकार का बुलडोजर चल ही गया। बद्दो की फरारी के बाद हाई कोर्ट की कड़ी फटकार मिलने पर पुलिस प्रशासन ने उसके घर की कुर्की की थी। अब आज उसकी कोठी पर बुलडोजर चला दिया गया। कोठी को बचाने के लिए बद्दो ने अपनी भाभी के जरिए कानूनी अड़चन पैदा करनी चाहिए, लेकिन कोई राहत नहीं मिली, जिस पर बिना नक्शा पास कराए बनाई गई इस कोठी को आज मेरठ विकास प्राधिकरण ने पुलिस प्रशासन को लेकर ध्वस्त कर दिया। 2.5 लाख के इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दो 28 मार्च 2019 को फरार हो गया था। बदन सिंह की फरारी उस वक्त हुई जब मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। फरारी के बाद बदन सिंह यहां अपने सहयोगी के घर आराम से रहकर फिर दिल्ली के रास्ते फरार हो गया। बदन सिंह फरार हुआ, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ने की ज्यादा जहमत नहीं उठाई। यही कारण रहा कि 19 माह बीत गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभिषेक कुमार के जनहित याचिका दाखिल करने पर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस प्रशासन के आला अफसरों को तलब किया। तब जाकर प्रशासन एकाएक ही नींद से जागा, जिस पर बद्दो के घर की कुर्की की गई। साथ ही योगी सरकार के सख्त रुख के बाद माफियाओं की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए शुरू किए गए नेस्नाबुट अभियान के तहत बद्दो की कोठी पर भी नजर टेढ़ी की गई। कोठी को अवैध निर्माण पाते हुए ध्वस्त करने की पहल मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा की गई। इसे बचाने के लिए बद्दो की भाभी कुलदीप कौर सामने आई, लेकिन उसका वाद खारिज हो गया। आज सुबह 10 बजते बजते सभी की नजर बद्दो की कोठी पर लग गई थी। भारी फोर्स के साथ ही बुलडोजर भी वहां पहुंच गए थे। मौके पर मौजूद मेरठ विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि ने यह जानकारी दी। मैं मेरठ विकास प्राधिकरण में डिप्टी कलेक्टर हूं मनोज सिंह। प्रकरण को मैं संक्षेप में बताऊं कि यह संज्ञानित होने पे कि इस भवन का नक्शा स्वीकृत नहीं है, तो इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जो हमारी यूपी अर्बन एक्ट 1973 में प्रावधानित है, और इनको तमाम अवसर देने के बाद में सील के और डिमोल्यूशन के आदेश पारित हुए। इस डिमोल्यूशन आदेश के विरुद्ध ये अपील में गए अपीलिएट कोर्ट ने भी दोनों पक्षों को सुनकर और आदेश पारित किए। दिनांक 18 जनवरी को इनके अपील इनकी निरस्त हो गई, इसलिए डिमोल्यूशन आदेश का आज भारी पुलिस बल की और जो मौके पे भी श्रीमती सुनीता सिंह मैजिस्ट्रेट हैं, ACM फर्स्ट हैं यहाँ, वो उनकी मौजूदगी में हो जा रहा है। चूँकि सघन घिरा हुआ आवासीय है, एक धार्मिक स्थान भी आप देख रहे हैं, तो इसलिए अब जहाँ तक JCB से तोड़ा जाना संभव हुआ JCB से, और फिर जो हमारी टेक्निकल टीम है उनकी सलाह से, और हम मैनुअली भी इसे तोड़वा रहे हैं ताकि किसी निर्दोष का की कोई क्षति ना हो। इस बारे में SP सिटी अखिलेश नारायण सिंह ने यह बताया। इसमें कई सर्किल ऑफिसर और कई थाना प्रभारी और PSC और QRT सहित हम सभी लोग यहाँ पर उपलब्ध हैं मजिस्ट्रेट के साथ, और MDA की टीम अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके, इसके संदर्भ में उनके द्वारा अनुरोध किया गया था कि लाइन ऑर्डर के लिए पुलिस बल मुहैया कराया जाए। पूरे पुलिस बल के साथ हम लोग मौजूद हैं, उनकी कार्रवाई सुचारू रूप से चल रही है। जैसा कि आप जान रहे हैं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माफिया बदन सिंह बद्दो है, जिसे आजीवन कारावास के माननीय न्यायालय द्वारा सजा है, और ये फरुखाबाद पुलिस से पेशी के समय फरार हो गया था कस्टडी से। इस क्रम में मेरठ पुलिस ने जो मुकदमा पंजीकृत किया था, उसमें अभी पिछले महीने इस बिल्डिंग में 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई सुनिश्चित की गई थी। उसके बाद एक अपील पड़ी जिसमें ये निकलकर सामने आया कि यहाँ पर इसने अपने बाहुबल और अशोक से एक बिल्डिंग बना रखी थी जो कि पूरी तरह से अवैध थी, और MDA में इसकी प्रॉपर सुनवाई की गई। तमाम इसमें अपीलें उसके पक्ष से जो भी की गई थी, सारी सुनवाई के पश्चात आदेशानुरूप MDA की टीम और पुलिस आज पूरे इस बिल्डिंग को ध्वस्त करा रही है, और ये जो अवैध मानक पे बनी हुई है इसको गिराया जा रहा है। ये आजीवन कारावास की सजा थी, और फरुखाबाद पुलिस से कस्टडी में न्यायालय पेशी पर आया हुआ था, उसी दौरान इसने पुलिसकर्मियों को कुछ करा, उसके उनकी कस्टडी से 2-2.5 साल पहले फरार हुआ था, और पकड़ने के प्रयासों में इसको पुलिस महानिदेशक महोदय के स्तर से 2.5 लाख रुपए का रिवार्ड घोषित किया गया है। पुलिस की टीम STF की टीमें भी लगातार इस पर लगी हुई है। बता दें कि मेरठ पुलिस ने फरारी में सहयोग करने के आरोप में मुकुट महल मालिक मुकेश गुप्ता, केबल कारोबारी व मेट्रो प्लाजा व्यापार संघ महामंत्री अनिल छाबड़ा, डिपिन सूरी, पपित बड़ला,
संयुक्त व्यापार संघ मंत्री लल्लू मक्कड़, कर्ण पब्लिक स्कूल संचालक भानु प्रताप, सोनू सहगल, मिक्की सरदार, अरुण व 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने भानु प्रताप, लल्लू मक्कड़, डिपिन सुरुई व सोनू सहगल आदि को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मुकेश गुप्ता ने अपनी गिरफ्तारी के अगेंस्ट स्टे ले लिया था, जिसे बाद में खत्म होने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।